हेलो स्टूडेंट, कुमार क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। जल्दी से हमारे सब लाइव बनिए और सेशन को शेयर कीजिए जल्दी से लोगों में। जल्दी से लाइव बनिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों यारों में, तो सेशन स्टार्ट किया जाए। और तीसरा सेशन चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, 24 का फर्स्ट शिफ्ट है, तो जल्दी से लाइव बनिए तो स्टार्ट किया जाए। बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। किलोवाट आवर एनर्जी मीटर इज एन, यानी जो किलोवाट आवर मीटर है, यानी सिंगल किसकी बात बोल रहा है, किलोवाट आवर मीटर एनर्जी मीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल फेज एनर्जी मीटर के नाम से भी जानते हैं, सिंगल फेज एनर्जी मीटर के भी नाम से जानते हैं। तो किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, तो हमको पता है कैसा इंस्ट्रूमेंट है, इंटीग्रेटिंग टाइप है, ठीक है, यानी समकालिक टाइप क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, इंटीग्रेशन टाइप इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और पूछता है इसका रेवोल्यूशन पर किलोवाट कितना होता है, कभी कभी एनर्जी कांस्टेंट पूछता है, एनर्जी कांस्टेंट क्या दिखाते हैं, एनर्जी नियतांक रिवोल्यूशन पर किलो वाट आवर से इसको दिखाते हैं, एनर्जी कांस्टेंट को रिवोल्यूशन पर किलो वाट आवर से दिखाते हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, हमारा बी हो जाना चाहिए, एनर्जी इंटीग्रेटिंग टाइप एनर्जी मीटर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल असिस्टेंस ऑफ, व्हाट इज द टॉलरेंस फॉर द इंडिकेटिंग बाय ए सिल्वर स्ट्रिप ऑन अ रेसिस्टर, यानी कि अगर किसी रेसिस्टर पे, रेसिस्टर यानी कार्बन रेसिस्टर की अधिकतर बात करते हैं जिसमें लोग कलर कोडिंग करते हैं, तो अगर कार्बन रेसिस्टेंस है और उसका टॉलरेंस वाला पट्टी, यानी जो चौथी पट्टी है, टॉलरेंस पट्टी ही वो क्या होती है, चौथी पट्टी होती है, अगर चौथी पट्टी क्या हो, उस पर सिल्वर लगा हो, तो कितना टॉलरेंस कर सकता है, 5%, 10%, 20% या प्लस माइनस 10%, क्या हो सकता है, इसका कमेंट कीजिए आंसर, कितना हो सकता है इसका टॉलरेंस, सिल्वर स्ट्रिप दिया हुआ है, यानी जो चौथी पट्टी है वो क्या है, सिल्वर की पट्टी है, तो कितना टॉलरेंस होता है, कमेंट कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग में शेयर कर दीजिए पहले जल्दी से, ठीक है। 20 सेकेंड लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, बस शेयर कर दीजिए, शेयर करके वापस आ जाइए, ठीक है। सुबह सुबह कुछ अच्छा काम करते हैं, लोगों का भला करते हैं, ठीक है, आप लोगों की भला करोगे, भगवान आपका भला करेगा। तो क्या हो जाएगा, अगर सिल्वर पट्टी है तो सिल्वर पट्टी का क्या होता है, 10% होता है, ठीक है। अगर गोल्ड पट्टी है तो गोल्ड पट्टी में कितना होता है, 5% होता है, और यही अगर नो कलर, यानी कोई कलर की पट्टी नहीं है, तो कितना दिखाता है, 20% क्या हो सकता है, टॉलरेंस हो सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस है टॉलरेंस, यानी जब तक सिल्वर पट्टी का पूछा है तो सिल्वर पट्टी कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 10% नहीं होगा, 10% भी दिया है मगर प्लस 10% नहीं होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा, ठीक है। यानी 10% क्या कर सकता है, वो सहन कर सकता है, 10% ऊपर या 10% नीचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बुकोल रिले इज जनरली नीड एज अ यूज एज अ सेफ्टी डिवाइस, यानी बुकोल रिले का जनरली हम किस डिवाइस में सेफ्टी के रूप में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन दिया है अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, थ्री फेज मोटर और डीसी मोटर, क्या होगा इसका, ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं, हम बुकोल रिले का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कैसे, सारे इंटरनल फॉल्ट, चाहे वो इंसुलेशन से रिलेटेड हो या फिर ओवरलोड से रिलेटेड हो या ओवर वोल्टेज से रिलेटेड हो या ओवर करंट से रिलेटेड हो, सारे जितने इंटरनल फॉल्ट है उसको कौन देखेगा, केवल और केवल बुकोल रिले देखेगा। और बुकोल रिले लगे कहाँ होते हैं, ट्रांसफार्मर में। और ये भी पूछता है कि बताओ बुकोल रिले किस ट्रांसफार्मर में लगे होते हैं, तो क्या होता है, ऑयल कूल ट्रांसफार्मर जितने भी होते हैं, यानी ऑयल से ठंडा होने वाले जितने भी ट्रांसफार्मर है उसमें क्या लगे होते हैं, बुकोल रिले लगे होते हैं। वो बल्ब स्विच ऑफ कर दीजिएगा तो, ठीक है, लगे होते हैं,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी इसका क्या हो जाएगा, भूकोल रिले यानी ट्रांसफार्मर हो जाएगा, ट्रांसफार्मर में भूकोल रिलो का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीक फैक्टर किसका रेशियो होता है, पीक फैक्टर किसका अनुपात होता है, आरएमएस वैल्यू से पीक वैल्यू का, या फिर एवरेज वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू का, या एवरेज वैल्यू से आरएमएस वैल्यू का, या फिर मैक्सिमम वैल्यू से आरएमएस वैल्यू का। कमेंट कीजिए, दो लोग देख रहे हैं, कम से कम दो लोग कमेंट करें। तो इसका वो था पीक वैल्यू क्या होता है, पीक यानी शिखर मान बराबर पीक वैल्यू बराबर होता है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू से होता है, ठीक है। यानी पीक वैल्यू बराबर क्या होता है, अधिकतम मान बटे वर्ग मध्यमूल मान से होता है, ठीक है। आप इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, आंसर 4 हो जाना चाहिए। देखिए सारा ही रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी जितना पढ़ चुके हैं उससे अधिक कुछ भी नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मैग्नेटिक पाथ डज अ सेल टाइप ट्रांसफार्मर है, यानी अगर कोई सेल टाइप ट्रांसफार्मर है तो उसमें कितने चुंबकीय परिपथ होते हैं, सेल टाइप ट्रांसफार्मर तो उसमें कितने चुंबकीय परिपथ होते हैं, कितने होते हैं, ऑप्शन दिया है 5 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। नमस्ते एम किशन जी, तो कितने होते हैं, 2 होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो सेल टाइप होता है वो कैसे होते हैं, ऐसे कटा होता है, ठीक है, 2 होते हैं, हाँ एकदम सही, 2 होते हैं। तो होता क्या है, एक पथ ये मिलता है, एक पथ ये मिलता है, और ये पूछता है कि ऐसी कौन सी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है जो वाइंडिंग जो है कोर से घिरा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो वाइंडिंग होती है वो कोर से घिरा हुआ है, देखिए वाइंडिंग है, ये भी कोर है, ये भी कोर है, कोर से घिरा हुआ है, तो ऐसा कौन सा होता है। नमस्ते डूड जी, तो क्या होता है, ये सेल टाइप होता है। या कभी एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर है, ठीक है, जिसकी कोर किससे घूमी होती है, किससे वाइंडिंग से ढकी होती है, तो ये कौन सा होता है, कोर टाइप होता है। कोर टाइप में क्या होता है, देखिए कोर है उसके ऊपर क्या है, वाइंडिंग है, ठीक है, हाँ, अधिक आउटपुट के लिए इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि क्या होता है मैग्नेटिक पाथ अधिक हो जाते हैं तो लीकेज फ्लक्स होने का काम कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक कोर क्या होते हैं, ज़्यादा मिलने लगते हैं, हम जानते हैं कि एयर का रिलक्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ से हम गुजरने नहीं देते हैं, या फिर गुजरता है तो नाम मात्र गुजरता है, सारा का सारा कोर ही क्या हो जाता है, गुजरने लगता है। तो इसको क्या बोलते हैं, कोर टाइप बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि कोर किससे ढके होते हैं, वाइंडिंग से। और सेल टाइप में क्या देख रहे थे हम, वाइंडिंग किससे ढकी हुई थी, कोर से ढकी हुई थी, जिसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथों की संख्या कितनी हो जा रही थी, 2 हो जा रही थी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन है, द लिमिटिंग टेम्परेचर ऑफ द एच क्लास इंसुलेशन, यानी एच क्लास इंसुलेशन है, ठीक है, एच वर्ग का इंसुलेशन है, तो उसका लिमिटिंग टेम्परेचर क्या होगा, यानी अधिकतम टेम्परेचर कितना हो सकता है, उससे अधिक हो जाएगा तो ये इंसुलेशन फेल हो जाएगा, यानी कितने टेम्परेचर तक ये इंसुलेशन टेम्परेचर रह सकता है। गुड मॉर्निंग लाल बहादुर जी, ऑप्शन है 100 डिग्री, 150 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, सही है लाल बहादुर जी का, अंकित सर 180, ठीक है, और कोई 180, हाँ जितेंद्र के जी बोल रहे हैं 180, हाँ ठीक है। देखिए इसका कोड एक तरीके से याद करना था, कोड तो लिखा है वीडियो में, देखा वीडियो में है भी, देख नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, डी सही है, वाई ए ई ने बॉयफ्रेंड को हाई कोर्ट भेजा, ठीक है, वीडियो देखे थे ये वाला, वाई ए ई ने बॉयफ्रेंड को हाई कोर्ट भेजा, वाई कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ए से एक क्लास आ जाएगा 105 डिग्री, ई का 120 डिग्री, बी का 130 डिग्री, एफ का 150 डिग्री, हाई कोर्ट का 180 डिग्री, और सी का क्या होता है 180 डिग्री से अधिक पे होता है, ठीक है, ये याद रखना है, वाई ए ई ने बॉयफ्रेंड को हाई कोर्ट भेजा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बस वाई से स्टार्ट करना है और लगभग क्या होगा अप्रोक्स में आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 180 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, इसको हटा देते हैं, ये ट्रिक याद रखनी है तो याद हो जाएगा।
सी पूछता तो 180 डिग्री से अबव के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसमें पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्विचेस दैट आर यूज्ड फॉर स्टेयर केस लाइटिंग सर्किट एंड व्हाट इज देयर टाइप। यानी इसमें यह पूछा है कि अगर हमको स्टेयर केस यानी सीढ़ियों पे हमको क्या करना है, लाइटनिंग सर्किट लगाना है, सीढ़ियों पे हमको लाइटनिंग सर्किट लगाना है, तो उसमें कौन सी स्विच लगेंगी और कितने स्विच लगेंगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, यानी हमको सीढ़ियों पे क्या करना है, प्रकाश की व्यवस्था करनी, तो उसमें कौन सी स्विच लगेंगी और कितनी लगेंगी, ये बताना है। टू वे स्विच, ठीक है, हाँ ट्रिक था ये, हाँ वही ट्रिक था, टू वे स्विच और कोई एट बाबू नहीं लगेगा, दो लगेगा क्योंकि एक जब सीढ़ी शुरुआत होगी तो वहां पे भी टू वे स्विच लगेगा और जहां सीढ़ी खत्म होगी वहां पे भी क्या होगा, टू वे स्विच लगेगा। हाँ दो टू वे स्विच लगेगा, क्यों, क्योंकि हम चाहें तो यहां से भी ऑन ऑफ कर ले, ठीक है, और ऊपर से भी क्या कर ले, ऑन ऑफ कर ले, ठीक है। इस ये बस दो टू वे स्विच क्या होता है, बस दो जगह से, हाँ इंटरमीडिएट में तीन लगते हैं, ठीक है, या दो से अधिक लगते हैं, ठीक है, दो से अधिक लगाना है तो इंटरमीडिएट का प्रयोग करते हैं। अच्छा टू वे स्विच का क्या होता है, सिंबल पूछता है तो क्या हो जाता है, टू वे स्विच का सिंबल पूछेगा तो टू वे स्विच का सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, टू वे स्विच का सिंबल ऐसा होता है। और ये अगर थ्री वे का सिंबल पूछ लेगा, थ्री वे स्विच का सिंबल बताओ तो टू वे स्विच का सिंबल ये होता है। अगर थ्री वे का सिंबल पूछे तो कुछ नहीं करना है, यहां से हटाकर इसको थोड़ा हटाकर यहां पे लगा देना, ठीक है, यहां से हटाकर थोड़ा सा यहां पे लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, थ्री वे स्विच बन जाएगा, ठीक है। ये होता है टू वे स्विच का, दो लगते हैं और दो जगह लगते हैं, यानी दो जगह से हम क्या कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं सेम बल्ब को, एक ही बल्ब को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यानी से क्या हो जाएगा आंसर, फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, सही होगा, टू वे स्विच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये इसका तो बता देंगे आसानी से, कल बहुत बार हो गया था, इसका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। पावर सर्किट की बात बोल रहा है, पावर सर्किट में कितने वॉट के लग सकते हैं, मैक्सिमम 3000 वॉट लगते हैं, ठीक है, क्या होता है 3000 वॉट लगते हैं और कितने पॉइंट लग सकते हैं, दो पॉइंट लगा सकते हैं और 3000 वॉट मैक्सिमम होता है, हाँ ठीक है, 3000 अब 30000 लिख दिए अंकित जी, पूछ रहा है कि पावर सब सर्किट में कितने से अधिक वोल्टेज नहीं हो सकती, हाँ 3000। चलिए ठीक है, ये तो रटा कल भी हो गया था बहुत बार, इसलिए इसको जल्दी से करा दी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अर्थिंग नहीं पढ़ा है, ठीक है, वो आपको क्या हो जाएगा, छोटे छोटे वीडियो में, जैसे संडे वनडे हो गया तो उसको आपको वीडियो मिलते रहेगा, 40-45 मिनट का छोटे चैप्टर है ना, मेन चीज़ें पढ़ती हैं, क्या हो गया, रॉड टाइप हो गया, प्लेट टाइप हो गया, स्ट्रिप टाइप हो गया, ठीक है, बार टाइप हो गया, ऐसा सारी चीज़ों का आपको दिया जाएगा, ठीक है ना, परेशान मत होइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाँ चलिए ये क्या है, फोर असिस्टेंस क्या है, पहले में कनेक्टेड है तो टोटल असिस्टेंस क्या हो जाएगा, फोर असिस्टेंस जो कि चार चार ओम के प्रत्येक हैं, उनको पैरेलल में जोड़े तो कितना हो जाएगा टोटल असिस्टेंस, 8 ओम 16 ओम 4 ओम 1 ओम, एक ओम, हाँ एकदम सही है, क्योंकि सिंपल फॉर्मूला लगाना है, अगर एक आर का मान 4 है तो हम निकालते हैं टोटल असिस्टेंस, टोटल आर बराबर क्या निकालते हैं, आर बाई एन लगाते हैं, आर कितना है 4 ओम है, टोटल असिस्टेंस कितना है 4 है, कितना जाएगा 1 ओम हो जाएगा, सिंपल तरीका ऐसे लगा देते हैं, नहीं फिर 1/4 कीजिए, वो भी 4/4 वन ही आएगा, तो इसके क्या लगाते हैं आर बाई एन से लगाते हैं, सिंपल निकल के आ जाता है एक ही बार में, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा 1 ओम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इतना बिजी इसलिए इतना टाइम वेस्ट नहीं करें। चलिए ये देखिए क्या पूछा है, इन स्टार कनेक्शन लाइन वोल्टेज किसके बराबर होता है, स्टार कनेक्शन कर रहे हैं तो लाइन वोल्टेज किसके बराबर होता है, 1/3 टाइम्स फेज वोल्टेज के, या फेज वोल्टेज के बराबर, या √3 टाइम्स द फेज वोल्टेज, या फिर 3 टाइम फेज वोल्टेज के, हाँ कमेंट कीजिए क्या होगा आंसर, जितेंद्र जी सी बोल रहे हैं और कोई,
सी सी हाँ ठीक है, और कोई? ठीक सी है, एकदम सही है। हाँ सी सही है, सी सही है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है स्टार में। जब स्टार में पढ़ते हैं तो क्या होता है, VL बराबर क्या हो जाता है, √3 VPH हो जाता है, मगर IL बराबर IPH हो जाता है। ठीक है, इतना सही है। और अगर यही करते हैं, डेल्टा की बात करते हैं, तो क्या हो जाता है, VL बराबर VPH हो जाता है, मगर IL बराबर क्या हो जाता है, √3 VPH। पावर सबने सेम होता है, अगर पावर की बात करें तो √3 VL IL cos φ इसमें भी होता है, और P बराबर √3 VL IL cos φ इसमें भी होता है। अगर ये तो लाइन वोल्टेज में, अगर फेज में बात करेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, 3 VP IP क्या हो जाएगा, cos φ हो जाएगा, और पावर सेम इसमें भी रहेगा, क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, 3 VP IP cos φ सब में हो जाएगा। ठीक है, यानी पावर नहीं बदलता है, पावर दोनों में क्या होगा, सेम होगा, न्यूट्रल नहीं होता है। हाँ एकदम सही, हाँ एकदम सही, लाइन धारा उसके फेज के बराबर होती है। चलिए ठीक है, एकदम सही। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, √3 टाइम्स द फेज वोल्टेज को जाता है, स्टार में दिया इसलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा सी का फुल फॉर्म, क्या दिया, हाई रेपचरिंग कैपेसिटी फ्यूज, हाई रेसिस्टेंट कैपेसिटी फ्यूज, हाईर रेसिस्टिविटी कैपेसिटी फ्यूज, या फिर हाई रेसिस्टिविटी कार्टेज फ्यूज, ए ए ठीक है, और कोई जितेंद्र आपका ए, हाँ हाई रेपचरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ये अधिकतर कहाँ प्रयोग करते हैं, पूछता है कि अधिकतर किस जगह प्रयोग करेंगे, जहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ प्रयोग करते हैं इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कहाँ पे, जहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ पे क्या प्रयोग करते हैं, HRC फ्यूज, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हाई रेपचरिंग कैपेसिटी फ्यूज का प्रयोग करते हैं। हाँ चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए कंसेंट्रिक वाइंडिंग इज जनरली यूज्ड इन, यानी कंसेंट्रिक वाइंडिंग का अधिकतर किस मोटर में प्रयोग करते हैं, 3 फेज मोटर, सिंगल फेज मोटर, या DC मोटर, या ट्रांसफार्मर, DC मोटर या ट्रांसफार्मर, यानी कंसेंट्रिक वाइंडिंग का अधिकतर कहाँ प्रयोग करते हैं, 3 फेज मोटर, सिंगल फेज मोटर, DC मोटर, या ट्रांसफार्मर, कंसेंट्रिक वाइंडिंग है, सिंगल बी बी, हाँ हरिओम जी, DC में नहीं करते हैं, DC में नहीं करते हैं, कंसेंट्रिक एक बार बताया थे पहले सेशन में हुआ था शायद, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बट के मिलता है, कंसेंट्रिक में क्या होता है, हर जगह क्या होती है, बाइंडिंग की या टर्नों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, जिससे क्या मिलता है, कंसेंट्रिक वाइंडिंग कहें तो क्या होता है, पूरी की पूरी क्वाइल जो होती है पूरे पोल के नीचे आते हैं, जिससे क्या होता है हमको अच्छा वोल्टेज मिलता है, और अच्छा वोल्टेज मिलता है तो टॉर्क भी क्या मिलता है हमको, अच्छा खासा मिल जाता है, जो कि स्टार्टिंग करने के लिए क्या होता है, बहुत उपयोगी होता है। ठीक है, हाँ AC वाइंडिंग है, एकदम सही, इसलिए हम क्या होता है, कंसेप्ट सिंगल फेज वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, किसमें, कंसेप्टिंग का। चलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा, सिंगल फेज, फर्स्ट सेशन में हो गया था ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द बैक पिच जो एक टर्म है उसका अधिकतर किससे मतलब है, यानी जो बैक पिच है, कहीं बैक पिच पे अधिकतर हम बात करेंगे तो किस टर्म से, यानी किस चीज से अधिकतर संबंधित रखता है, DC मोटर के स्टार्टर वाइंडिंग से, या AC मोटर के वाइंडिंग से, या DC आर्मेचर वाइंडिंग से, या फिर अल्टरनेटर वाइंडिंग से, डी अल्टरनेटर वाइंडिंग, और कोई, बैक पिच, पश्च पिच बोलते हैं। ठीक है, अल्टरनेटर, DC आर्मेचर, ठीक है लाल बहादुर, या DC आर्मेचर बोल रहे हैं, और कोई,
डीसी वाइंडिंग है, ठीक है। और कोई? जितेंद्र जी आपका डीसी आर्मेचर, हाँ ठीक है। डीसी आर्मेचर से होता है, देखिए क्या होता है, बैक पिच, बैक पिच, फ्रंट पिच, अधिकतर जो हम बात करते हैं किसमें बात करते हैं, डीसी में बात करते हैं, ठीक है। डीसी मोटर में अधिकतर हम क्या करते हैं, बैक पिच फ्रंट पिच की चर्चा अधिक करते हैं, ठीक है। मगर ये तुम स्टार्टिंग वाइंडिंग दे दिया, आर्मेचर वाइंडिंग दे दिया, तो हम क्या करते हैं, जो वाइंडिंग करते हैं आर्मेचर पे, जो रोटर पे वाइंडिंग करते हैं, हम इसी हिसाब से करते हैं, जो वाइंडिंग करते हैं, तो अधिकतर कॉन्टेक्ट किससे लेके चलते हैं, हम आर्मेचर से लेके चलते हैं। क्यों आर्मेचर से लेके चलते हैं? क्योंकि जो वोल्टेज जनरेशन अधिकतर जो होता है आर्मेचर में ही होता है, ठीक है। जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो कहाँ होता है? आर्मेचर में ही होता है। या फिर जो टॉर्क जनरेट होता है वो अधिकतर कहाँ पे होता है? आर्मेचर पे होता है। तो जो हम बैक पिच फ्रंट पिच लेके चलते हैं वो कहाँ से लेके चलते हैं? डीसी आर्मेचर से ही लेके चलते हैं। और बैक पिच फ्रंट पिच पता है कि जो आगे कॉइल के बीच में जो होता है वो फ्रंट होता है, और एक आगे और एक पीछे के बीच में जो होता है वो हमेशा बैक पिच होता है। तो हमेशा किससे कॉन्टेक्ट में लेके चलते हैं? डीसी आर्मेचर वाइंडिंग, या स्टार्टिंग तो आपको फंसाने के लिए दिया, स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टर वाइंडिंग, स्टार्टर वाइंडिंग में ऐसा कुछ नहीं लेके चलते हैं, ठीक है। किसमें याद रखना है? डीसी आर्मेचर में लेके चलता है। डीसी मोटर में अधिकतर हम फ्रंट पिच बैक पिच पढ़ते हैं, और उसमें उसमें भी किसमें? आर्मेचर वाइंडिंग में, क्योंकि टॉर्क जहां जनरेट होगा वहीं पे होगा। अगर अल्टरनेटर जनरेट डीसी जनरेटर की बात होगी तो किससे कम संपर्क में होता है? आर्मेचर में ही, क्योंकि आर्मेचर में ही क्या है, इंड्यूस ईएमएफ होता है, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, बैक पिच को आर्मेचर के कॉन्टेक्स्ट में लेकर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मूविंग कॉइल है, मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट है, किस पर कार्य करती है? डीसी पे, एसी पे, पल्सेटिंग सप्लाई, या बोथ एसी डीसी? चलिए इसका कमेंट कीजिए, डीसी। ए डीसी सप्लाई, हाँ ठीक। और कोई? जितेंद्र, डीसी पे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन गिन रहे हैं क्या आप? मतलब एकदम चील की निगाह रखे हुए, क्वेश्चन कौन सा है? चलिए अच्छी बात है, पता होना चाहिए कौन सा चल रहा है। पीएमएमसी में, हाँ कौन सा होता है? डीसी होता है। पीएमएमसी में क्या होता है? हमेशा डीसी होता है। मगर पीएमएमसी में ही एक होता है, क्या होता है? मैग्नेटिक मूविंग कॉइल होता, अरे एक मूविंग कॉइल होता है, जैसे परमानेंट मैग्नेट में एक मूविंग कॉइल होता है, डायनेमोमीटर टाइप होता है। तो डायनेमोमीटर जो टाइप होता है वो एसी डीसी दोनों पे चलता है, ठीक है। और परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल किस पे चलता है? केवल और केवल डीसी में चलता है। मूविंग आयरन की बात करेगा तो वो भी क्या करता है? एसी तथा डीसी दोनों पे चलता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। पीएमएमसी दो टाइप के होते हैं, एक मूविंग कॉइल होता है, मूविंग कॉइल एक पे चलता है, केवल डीसी पे। मूविंग आयरन बोले, मूविंग आयरन, ठीक है, एसी डीसी दोनों चलता है, ठीक है। इनसे क्या हो जाएगा? डीसी सप्लाई हो रहा है। एसी सप्लाई तो केवल इंडक्शन पे चलता है, इंडक्शन मोटर पे, पल्सेटिंग सप्लाई कुछ नहीं होता है, बहुत एसी डीसी बता दिए, मूविंग कॉइल पे होता है, अरे मूविंग आयरन पे होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अर्थ लीकेज, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ऑल्सो नोन एज, यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को और किस नाम से जानते हैं? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को और किस नाम से जानते हैं? एमसीबी यानी मिनिएचर केज सर्किट ब्रेकर, या मोल्डेड सर्किट ब्रेकर, या ऑयल कंट्रोल सर्किट ब्रेकर, या फिर रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर? चलिए इसका क्या होगा? हाँ ईएलसीबी को और किस नाम से जानते हैं? डी अंकित सोन जी का, ठीक है। और कोई? डी डी, ठीक है। आपका जितेंद्र? देखिए ठीक है, क्या होगा रेसिड्यूअल? देखिए क्या होता है, लीकेज करंट क्या होता है ना, सिंपल जो लीकेज करंट होता है वो कुछ नहीं होता है, जो बची हुई करंट होती है वही रेसिड्यूअल, मतलब क्या होता है? बचा हुआ करंट, ठीक है। जो धारा में सिंपल तरीके से बह रहा है कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अर्थ लीकेज में क्या होता है? अनवांटेड करंट क्या होता है? जो अधिकतर करंट होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? आपके अर्थ से होकर ग्राउंड में चले जाते हैं। तो जो रेसिडुअल बोलते हैं यानी जो अवशिष्ट यानी जो बचे हुए करंट होते हैं
वो क्या करता है, आपका सर्किट ब्रेकर क्या करता है, उसी करंट को सेंस करके, उसी करंट को क्या करता है अपने अंदर क्या करता है, तरीके से पहचान कर उसी को क्या करता है, ब्रेक करता है। यानी जो रेसिडुअल करंट अगर सर्किट ब्रेकर से बह गया तो क्या करेगा, अब हम क्या कर देंगे, अपने आप को ट्रिप कर देंगे, बंद कर देंगे। हाँ, अब की बात बस यही कि कंप्यूटर पर ध्यान देते रहिएगा, ठीक है, उसको छोड़िएगा मत, ठीक है ना। हाँ, रेसिडुअल सर्किट ब्रेकर होता है, करंट सर्किट ब्रेकर, यानी जो सर्किट, ये जो ELCB है वो किस करंट को सेंस करता है, केवल रेसिडुअल करंट को, क्योंकि रेसिडुअल करंट भी एक तरीके का क्या है, लीकेजी करंट है, जो अपशिष्ट करंट है वही बहता है, ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा। ऑयल सर्किट ब्रेकर क्या होता है, हाई करंट के लिए यूज होता है, ठीक है। और ये भी बताया था करंट किस बेसिस पे डिफाइन होता है और रिले किस बेसिस पे डिफाइन होता है, ठीक है। करंट जब जो आपका सर्किट ब्रेकर है, नहीं कंफर्म कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंट इतना रखिए कि इस बार हो ही जाएगा, ठीक है ना। इस बार सीट पक्की कर लीजिए अपनी कि अगली बार कब आए कब नहीं आए। एग्ज़ाम तो आपको लगता है फरवरी 10 के बाद ही होगा, जैसा होगा कंफर्म आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत होइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये तो सिंपल है, ठीक है। सीरीज सर्किट है तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, R=R1+R2-R3, R=R1-R2-R3, R=R1-R2+R3 या R=R1+R2+R3। हाँ, यही चीज़ है ना, इसी को लास्ट चांस समझकर तैयारी स्टार्ट अपनी कंप्लीट रखिए, ठीक है। और होगा क्यों नहीं यार, देख रहे हो तुम लोग की क्या हालत है, कितनी अच्छे से इसको मतलब क्या हालत, झपट्टा मार दे रहे हो क्वेश्चन पे, ठीक है, एक भी छूटने नहीं दे रहे हो, ठीक है। और क्या चाहिए, कॉन्फिडेंट लेवल हाई रखो, ठीक है, तैयारी ठीक है, बस ये कि कंप्यूटर पे ध्यान देना है। घास फिर के तेरे झपट्टा मार दे रहे हो क्वेश्चन पे, बाउंसर भी आ रही थे, अपर कट लगा के छक्का मार दे रहे हो, हैं। चलिए, हाँ डी सही है, वही सिंपल बात है, कोई बताने की जरूरत नहीं है, हाँ, इस बार हर बच्चा बच्चा देखेगा कि सब 150 में 145 140 करके आए हैं। बस छोड़ना नहीं है तैयारी, कि एग्जाम अभी नहीं हो रहा तो छोड़ देते हैं, ठीक है, जब आएगा तो देखेंगे। जो ये कर लेता है वही क्या होता है, फंसता है, कि जब आएगा एग्जाम तब देखेंगे, एडमिट कार्ड आएगा तब देखेंगे, ठीक है। और जो लगा रहता है उसी का होता है, 3 घंटा 3.5 घंटा डेली पढ़ो, 4 घंटा पढ़ो डेली, ठीक है, जरूरी नहीं कि 8 घंटा 10 घंटा पढ़ना है, 4 घंटा पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, ठंडी हो जाड़ा हो बरसात हो सब में, ठीक है, 4 घंटा रेगुलर पढ़ो। और एग्जाम में एग्जाम भी आए तब भी चार ही घंटा पढ़ो, ठीक है, क्योंकि आगे का जो मेहनत की वो कहाँ जाएगा, इसलिए मेहनत की हो ना, कि एग्जाम के समय हमको क्या हो जाते, टेंशन ना हो कि यार 16 घंटा 12 घंटा पढ़ने, इसलिए। हाँ, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ एन अरमाउंड वायरिंग केबल, यानी जो कवच बनाते हैं केबल पर, अरमोरिंग किसका करते हैं बताए थे, स्टील का बनाए थे, स्टील का बताए थे ना, स्टील की क्या होता है उस पर, हाँ सिंबस क्या करते हैं उस पर, स्टील के क्या करते हैं, एक चद्दर चढ़ा देते हैं, जाली नुमा चढ़ा देते हैं, तो वो क्यों चढ़ाते हैं, करंट से बचाव के लिए, वोल्टेज से बचाव के लिए, या फिर यांत्रिक प्रोटेक्शन के लिए, या फिर हीटिंग प्रोटेक्शन के लिए। हाँ सी सही है, अरमोरिंग जिसको बोलते हैं स्टील की, ठीक है, या कहीं कहीं GI की भी क्या कर सकते हैं, उस पर कवच चढ़ा देते हैं, इसलिए चढ़ाते हैं कि उससे क्या हो सके, हमारी मैकेनिकल दक्षता हो, दक्षता बोल रहे हैं, यांत्रिक क्या हो, सुरक्षा हो, ठीक है, यानी कोई गाड़ी हैवी व्हीकल ये सब चढ़े तो क्या हो, केबल को नुकसान ना पड़े, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैकेनिकल प्रोटेक्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाँ यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए एकदम सही। चलिए नेक्स्ट है, मोटर ओवरलोड रिले इज जनरली यूज फॉर, यानी मोटर ओवरलोड रिले जो है वो कहाँ अधिकतर क्यों प्रयोग होता है, या फिर कहाँ प्रयोग होता है, अंडरलोड प्रोटेक्शन में, ओवरहीट प्रोटेक्शन में, ओवरलोड प्रोटेक्शन में, या फिर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में। मोटर ओवरलोड रिले है सी, ओवरलोड प्रोटेक्शन, और कोई लाल बहादुर का भी सी, अजय जी का भी सी, आपका जितेंद्र ठीक, हाँ हाँ ठीक है, ओवरलोड प्रोटेक्शन में। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है क्या, कभी कभी ये पूछता है कि थर्मल रिले कहाँ प्रयोग होता है, देखिए कन्फ्यूजन कहाँ होता है, थर्मल रिले का यूज़ कहाँ होता है, तो आप सोचेंगे यार थर्मल रिले है, थर्मल मतलब क्या होता है, गर्मी से सेंस आ गया,
तो कहीं ये ओवरहीट के लिए तो नहीं है, या फिर ओवर करंट के लिए, कि ओवर करंट जाएगा तभी हीट जनरेट करेगा, तो नहीं। जो थर्मल रिले है वो किसके लिए प्रयोग होता है, ओवरलोड के लिए प्रयोग होता है, ओवरलोड के लिए प्रयोग होता है थर्मल रिले, ठीक है। यानी ओवरलोड है तो उसके लिए क्या होगा, थर्मल रिले का प्रयोग होगा, ठीक है। और ये जो ओवरलोड रिले है वो तो सिंपल ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए होगा ही, मगर थर्मल रिले का भी किसके लिए प्रयोग करते हैं, ओवरलोड के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा, ओवरलोड के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसमें क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वायरिंग इज यूज इन कोल्ड स्टोरेज या फिर मोटाइज प्लेस, यानी किस तरह की वायरिंग आप कोल्ड स्टोरेज, जैसे आलू उलू हुआ ना, या गेहूं धान ये सब हुआ, कोल्ड स्टोरेज में रखे जाते हैं कि सालों साल छः छः सात सात महीने तक चले, खराब ना हो। तो उस कोल्ड स्टोरेज में तो आप कैसा प्रयोग करेंगे वायरिंग का, क्लिट वायरिंग, लेड सेथेड वायरिंग, केसिन कैपिंग वायरिंग, या बैटन वायरिंग? बी लेड सेथ वायरिंग। बी हाँ ठीक है, बी। यानी क्या होता है, क्योंकि जो कोल्ड स्टोरेज होता है शीशा वाला, हाँ, वहाँ पे क्या होती है ना, मॉइस्चर भी क्या होते हैं, आते रहते हैं, तो लेड जहाँ भी लगता है, शीशा जहाँ भी लगता है, वो अधिकतर प्रयोग किसके लिए होता है, मॉइस्चर को से ही नहीं होता, यानी मॉइस्चर का इफेक्ट लेड पे नहीं पड़ता है, ठीक है। और भी कोई केबल होगा तो धीरे धीरे मॉइस्चर सूखते सूखते क्या हो जाता है, वो खराब हो जाए, ठीक है, उसकी इंसुलेशन क्षमता कम हो जाए, मगर लेड पे यानी शीशा पे कोई ऐसा प्रभाव इसका मॉइस्चर का यानी उमस का या फिर जो नमी है उसका नहीं पड़ता है। इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं कोल्ड स्टोरेज में, लेड सीट वायरिंग का ही प्रयोग करेंगे। या फिर कभी कभी पूछता है कि अगर बाहर तुम्हारा एनर्जी मीटर लगा है तो उसमें कौन सा केबल प्रयोग करोगे, तो लेड सेथ केबल वाला ही प्रयोग करोगे, क्योंकि बाहर भी है तो हो सकता है पानी बारिश हो रही है, ओस गिर रहा है, हवा में नमी है, इससे सनलाइट का प्रभाव पड़ रहा है, तो उन सबसे बचाने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, लेड सेथ का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बी हो जाएगा, लेड सेथ वायरिंग, ठीक है, केबल। चलिए नेक्स्ट है, जर्मेनियम सिलिकॉन आर क्या है, ये तो बच्चों वाला सवाल पूछ के आप लोग को परेशान कर रहे हैं, सबको पता है सेमीकंडक्टर है, ठीक है। चलिए इसको टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर है, हाँ बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये है इन एन इंडक्शन मोटर, अगर नंबर ऑफ पोल डबल हो जाए तो स्पीड क्या हो जाएगी, हाँ तो उनको बधाई हो, ठीक है, और आपके पूरे परिवार की बधाई हो, ठीक है, जो उनके साथ मिलकर इतना स्ट्रगल किए हैं आप लोग, मेहनत की है उनके साथ भी। देखिए जो तैयारी करता है ना, तो बस एक आदमी तैयारी नहीं करता है, ठीक है ना, उसके साथ क्या होता है, उसकी पूरी फैमिली होती है तैयारी में, उसका साथ देती है, ठीक है ना। तो क्या होता है, वैसा उसको एटमॉस्फेयर देना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। घर में अगर तो कोई तैयारी कर रहा है तो वैसा उसको वातावरण या फिर उसके माहौल उसको वैसा देना जरूरी होता है। एक तैयारी कर रहा है, दो क्या है, उसके घर वाले क्या है, टांग खींचने, क्या समय बर्बाद करो, ये करो, वो कहीं जॉब कर लो, तो ये चीज़ क्या होता है, परिवार का भी उसमें पूरा हाथ होता है उसके तैयारी में, ठीक है। तो उनको, आपके छोटे भाई और आपके पूरे परिवार को बधाई हो, ठीक है। अब हो सकता है कि इस वैकेंसी में अगर मेहनत करें, कंप्यूटर सब सही रहे, तो आपका भी हो जाए, तो आपको भी बधाई देना पड़े हम लोग को, ठीक है। तो बस तैयारी करते रहिए। चलिए तो क्या हुआ, अगर नंबर ऑफ पोल क्या कर दें, आधा कर दें तो क्या हो जाएगा, अरे डबल कर दें तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा सिंपल, एन एस बराबर 120 एफ अपॉन पी। अगर इसको डबल कर दें तो स्पीड क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक है, वही चीज़ है, हाफी हो, आधी हो जाएगी, ठीक है ना, हाँ। तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये है इन इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हेयर स्प्रिंग आर मेड ऑफ, यानी जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें जो हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको सिंपल भाषा में कमानी बोलते हैं, ठीक है, जो कमानी बनाते हैं वो किसका होता है, अल्मीनियम का, कॉपर का, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज या ब्रास का होता है, किसका होता है जो कमानी बनाते हैं हम लोग, सी, हाँ ठीक है, सी। हाँ
हाँ फॉस्फर ब्रांच का ही बनाते हैं। हेयर स्प्रिंग इसलिए बोला जाता है कि वो जो कमानी होता है ना वो इतना पतला होता है ना कि आपके बार के आपके बाल जो होता है सिर का जो बाल होता है उतनी पतली वो होती है, ठीक है। हाँ स्प्रिंग भी बनता है, ठीक है। तो किसका बनता है? फॉस्फर ब्रांच का बनता है, ठीक है। फॉस्फर ब्रांच का ही बना होता है वो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है रिएक्टिव पावर, पूछा है इसी सर्किट का कितना होता है, किससे देखते हैं, किससे निकालते हैं रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर किससे निकालते हैं? 3 VI sin φ, VI sin φ 1/3, VI sin φ या VI cos φ। VI sin दिए हैं आपका जितेंद्र, VI sin। हाँ VI sin। क्या बात, कम लोग लाइव जुड़े हैं? हाँ वही चीज ना, पढ़े सब लोग हैं मगर क्या है रिवीजन है, देखिए जानते सब लोग सारी चीजें, बस वही क्या होता है एग्जाम के समय अगर रिवीजन नहीं किया है तो कंफ्यूजन होने लगता है, 2-3 ऑप्शन में क्या होगा कंफ्यूजन होने लगता है, उस कंफ्यूजन को नहीं रखना है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वही गलत होता है जो कंफ्यूजन में रहता है, ए बी में फंस रहा था, बी मार के चले ऑप्शन ए था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। चलिए लाइव कम है तो इसको शेयर कर दीजिए एक बार फिर से, ठीक है दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अभी आधा सेशन हुआ, अभी आधा सेशन बचा हुआ है। तो देखिए क्या होता है, एक्टिव पावर का पता है, एक्टिव पावर क्या होता है, VI cos φ होता है, VI cos πpower, जिसको क्या बोलते हैं, इसको ट्रू पावर भी बोलते हैं, ठीक है। एक रिएक्टिव पावर होता है जिसको क्या बोलते हैं, VI sin φ होता है। एक क्या होता है, अपेरेंट पावर, जिसको क्या बोलते हैं, VI, बस VI होता है, ठीक है। यानी इसका पावर फैक्टर से लेना देना कुछ नहीं होता है, किसका, अपेरेंट पावर का, ठीक है। हमें एक एग्जांपल दिए थे, एक मग है, ठीक है, इसमें क्या रखा है, चिल्ड बियर रखा है, समझ में आया। तो एक्टिव पावर क्या होगा, जो एग्जैक्ट क्या होगी, बियर की क्वांटिटी होगी, वो क्या हो जाएगा, एक्टिव पावर हो जाएगा। और जो ऊपर झाग आएंगे वो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, रिएक्टिव पावर हो जाएगा। और इन दोनों का जो 50 रुपये लगाएं, इन प्लस झाग का पूरा लगाएं, कैसे नहीं पूरा कप भर के मिला है हमको, ठीक है। तो जो कप भर के मिला है वो आपका क्या है, अपेरेंट पावर है, ठीक है। जो इंडक्टर कैपेसिटर होता है वो आपका, गुड मॉर्निंग, जो इंडक्टर और कैपेसिटर होता है वो आपका रिएक्टिव लॉस कराता है, रिएक्टिव पावर ग्रहण करता है मगर एक्टिव पावर नहीं करता है, याद रखना है, ठीक है। कभी कभी पूछता है कि इंडक्टर में एवरेज पावर क्या होता है, तो हम शून्य मानते हैं, तो शून्य का मतलब हम रिएक्टिव एक्टिव पावर को शून्य मानते हैं, ठीक है। अगर रिएक्टिव पावर पूछ रहा है कि इंडक्टर और कैपेसिटर का रिएक्टिव पावर क्या होगा, तो वो शून्य नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है, VI sin φ, क्योंकि साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, और cos 90 का मान 0 होता है। यानी एक्टिव पावर इसलिए इंडक्टर या कैपेसिटर में 0 होता है लेकिन रिएक्टिव पावर में नहीं होता है, ठीक है। हाँ तो क्या हो जाएगा, VI sin φ हो जाएगा रिएक्टिव पावर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये बस क्वेश्चन नहीं हो रहा है ना, सारी चीजों का डिस्कशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांसफार्मर दैट हैज नोन लॉसेज इज कॉल्ड, यानी ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके पास कोई क्षति नहीं है वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सबको पता है पावर ट्रांसफार्मर, बैटरी ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर या आइडियल ट्रांसफार्मर, इसको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबको पता है। कोई भी, बस ट्रांसफार्मर ही नहीं, जनरेटर भी हो, मोटर भी हो, बल्ब भी हो, साइकिल भी हो, मोटरसाइकिल भी हो, हम हो, कोई भी हो, ठीक है। अगर ऐसा कोई क्षति नहीं करे तो वो क्या हो सकता है, आइडियल हो सकता है। आइडियल तो भगवान राम भी नहीं थे, नहीं बोला नहीं चाहिए, मगर भगवान राम भी आइडियल नहीं थे, तो वही चीज़ है, सब में कुछ ना कुछ होता है। हाँ आदर, तो अच्छा है वो हिंदी में क्वेश्चन देखा हुआ, स्टेपर मोटर क्या है, एक 3-phase मोटर है, 2-phase मोटर है, डीसी मोटर है या सिंगल फेज मोटर है। डी सिंगल फेज एसी मोटर है, ठीक है। स्टेपर मोटर क्या होता है, हर स्टेप में एंगल में चलता रहता है, ठीक है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, यानी वो क्या होता है, एंगल में चलता है। और वो स्टेप एंगल का फॉर्मूला क्या बताए थे कि कितने एंगल पे वो घूमेगा, हर एंगल कितने डिग्री का लेगा, तो उसकी सेटिंग करते हैं, क्या करते हैं, NS into NR / NS - NR करते हैं, यही करते हैं,
हाँ रोबोट वाला, हाँ एकदम सही, मेडिकल में यूज करते हैं, रोबोट में यूज करते हैं, जो ऊपर हम छोड़ते हैं क्या बोलते हैं उसको, जो सेटेलाइट से छोड़ते हैं, उस सब में सबका प्रयोग होता है, ठीक है। हाँ एंगल पर चलती है। तो NS क्या है, स्टेटर का स्लॉट है, रोटर का स्लॉट है, माइनस स्टेटर स्लॉट माइनस रोटर स्लॉट, आपको स्लोटर दे देगा टीथ या फिर दांत कह के देगा कि स्टेटर दांत इतना है, रोटर दांत इतना है, तो ये बताओ कितना एंगल चलेगा। तो इस फॉर्मूले पे रखेंगे तो आपको पता चलेगा वो कितने डिग्री एक्चुअल चल रहा है एक एंगल में, यानी एक चाल चलने में वो कितनी डिग्री खाएगा, ठीक है। तो इससे पता चलता है, डिस्कवरी पे तो एग्जाम्पल भी दिख जाता है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है PLC के साथ, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। चलिए इलेक्ट्रीशियन के, अगर इलेक्ट्रीशियन वर्किंग है ऑन LT and HT लाइन, तो उसके पास क्या होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रीशियन है चढ़ा हुआ है खंबे पे LT लो टेंशन या हाई टेंशन में, तो उसके पास क्या होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वायरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आधार कार्ड होना चाहिए, या राशन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसमें कोई डाउट नहीं है, सब लोग मार के आएगा। वायरमैन क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, वायरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाँ गुड मॉर्निंग गुंजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बी हाँ सही है गुंजन जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंसुलेशन असिस्टेंस किसमें मेजर होगा या किससे मेजर करेंगे, मल्टीमीटर, क्लैंप मीटर, टेकोमीटर या मेगर। हाँ इलेक्ट्रिकल का लाइसेंस होता है, हाँ ठीक है मेगर से करेंगे। कुछ चीजें पूछती हैं, कितना RPM, 160 RPM, डोनेटर क्या होता होता है, HDVC यानी हैंड ड्रिवन क्या होता है, जनरेटर होता है, ठीक है, हैंड ड्रिवन जनरेटर होता है, घुमाना पड़ता है, ठीक है। कितने वोल्ट देते हैं उसको, 110 वोल्ट देते हैं, ठीक है। नापता किसमें है, मेगा ओम के रेसिस्टेंस सबको माप सकता है, ठीक है, ये सब सारी चीजें हैं। तो मैं टेकोमीटर क्या करता है, हाँ लाइसेंस आपको कहाँ से मिलेगा, आपको जैसे आपको क्या होता है, चल रहा था कौशल विकास योजना वाला चल रहा था ना आपका, महात्मा गांधी कौशल विकास योजना, वहाँ पे जाइए आपको सिखाई जाएगी, दो तीन तीन दिन या 3 महीने 1.5 महीने के जितना भी कोर्स होगा वो आपको सिखाया जाएगा, वहाँ से आपको लाइसेंस दे देगा कि तुम खंभे पर चढ़ सकते हो, और आपको एक अथॉरिटी भी देता है कि आप चाहो तो लाइन कट ले सकते हो, ठीक है। जैसे आप खंभे पर चढ़ रहे हो तो सबको, कोई भी मैकेनिक चढ़ेगा तो सबको नहीं कहेगा कि पावर स्टेशन में फोन करके बोले कि भाई यहाँ इस क्षेत्र का लाइन काट दो तो लाइट काट देगा, ठीक है। वो क्या होगा, आपको अथॉरिटी मिलती है कि आप चढ़ेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, उस क्षेत्र की लाइटें को कट ऑफ या फिर ट्रिप करा सकते हैं, तो अथॉरिटी भी मिलती है उसके साथ साथ, ठीक है, वायरमैन के, वायरमैन को, तो वो चीजें ध्यान रखें। हाँ स्पीड के लिए टेकोमीटर क्या करता है, स्पीड को मापता है, ठीक है। क्लैंप मीटर, तो क्लैंप ऑन क्लैंप ऑफ होता है, क्लैंप मीटर जो होता है ट्रांसफार्मर में, बताया था करंट ट्रांसफार्मर में अधिक करंट के लिए मेजर के लिए यूज होता है। और मल्टीमीटर जानते ही हैं, AVO, अमीटर, वोल्टमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर और ओममीटर होता है, हाँ ठीक है। PMMC यूज होता है मल्टीमीटर में, ठीक है, PMMC का प्रयोग होता है, सब सारी चीजें था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर, मेगर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये है द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड एक्चुअल स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर, यानी जो सिंक्रोनस स्पीड है और एक्चुअल रोटर किस स्पीड पे चल रहा है, ठीक है, उनका अंतर क्या कहलाता है, उन दोनों स्पीडों का अंतर क्या कहलाता है। ऑप्शन है रेगुलेशन, दूसरा ऑप्शन टॉर्क है, तीसरा पावर फैक्टर है, चौथा स्लिप है, क्या कहलाता है जितेंद्र। हाँ क्या कहलाता है, स्लिप कहलाता है, क्योंकि हम पढ़े हैं NR होता है, ठीक है, यही होता है NS माइनस NR होता है, इसी को स्लिप कहते हैं। स्टार्टिंग के समय में क्या होता है स्लिप का मान, स्टार्टिंग में स्लिप का मान सबसे अधिक होता है, स्टार्टिंग में स्लिप का मान 1 होता है, और फुल लोड में अगर आइडियल है तो उसको 0 मान के चलेंगे, नहीं तो क्या होता है 3 से 5% तक लेके चलते हैं, ठीक है। हाँ ये चीज़ 100% एकदम सही, स्लिपिंग नहीं स्लिप का मान बोले, स्लिपिंग दूसरा चीज़ है, ठीक है, स्लिप का मान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका डी हो जाएगा। चलिए CRO स्टैंड फॉर कैथोड ऑसिलोस्कोप, कैथोड रिंग ऑसिलोस्कोप, करंट रे ऑसिलोस्कोप या फिर करंट रिड्यूस ऑसिलोस्कोप। CRO का फुल फॉर्म क्या होता है, CRO का फुल फॉर्म, हाँ ठीक है,
ये अरुण जी है, अंकित जी है, लाल बहादुर जी है, ड्यूड जी का भी है, जितेंद्र आपका भी है, हाँ दलवीर जी का भी है, हाँ सही है। क्या होता है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अब देखिए ये क्या होता है, इससे फोकसिंग कौन सी यूज होती है? जो ये ऑसिलोस्कोप होता है बस क्या दिखा सकता है? ग्राफ दिखा सकता है, पिक्चर नहीं दिखा सकता है, केवल ग्राफ दिखा सकता है। तो जहां केवल ग्राफ दिख सकता है वहां पे कौन सी फोकसिंग यूज करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग। इलेक्ट्रो सीआरओ वाला अगर लेक्चर देखेंगे तो उसमें होगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा देखिएगा, अच्छे से सीआरओ बताया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, ठीक है। जहां पे बस ग्राफ वाली फोकसिंग होती है, यानी जहां पे केवल हमको ग्राफ दिख सकता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकस का प्रयोग किया जाता है, और जहां पिक्चर दिख सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का प्रयोग होता है, जैसे टीवी हो गया, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक का प्रयोग होता है। कंप्यूटर क्या है? उसमें आपको ग्राफ भी दिख सकता है, पिक्चर भी दिख सकता है, यानी उसमें क्या करते हैं? इन दोनों फोकसिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सीआरओ ऐसी है जहां पे आप चाहें तो आरएमएस वैल्यू मापो, पीक वैल्यू मापो, एवरेज वैल्यू मापो, ठीक है। और क्या आप माप सकते हैं? आरएमएस, पीक, एवरेज, जितनी भी वैल्यू आप माप सकते हैं, ठीक है, इसमें माप सकते हैं, ठीक है। एसी डीसी दोनों पे काम करेगा, कुछ भी माप सकते हैं, फेज शिफ्ट माप सकते हैं, फ्रिक्वेंसी माप सकते हैं, वोल्टेज माप सकते हैं, करंट माप सकते हैं, कुछ भी माप सकते हैं इससे, ठीक है। टाइम, उन सारी चीजें क्या कर सकते हैं आप इससे निकाल सकते हैं। सर सीआरओ रिपल हाँ मापता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए तो सीआरओ बेस्ट है। बस क्या है, महंगा आएगा, हर जगह सीआरओ नहीं ले जा सकते ना। बस ये प्रोजेक्टर देख रहे हैं, इसी का सेप का होता है वो क्या, सीआरओ। चलिए इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड इसलिए बोला है क्योंकि कैथोड से ही क्या होता है, निकल, ये सब बैरियम की क्या होती है, कोटिंग होती है, वहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं। हाँ सभी लोग किए होंगे या देखे होंगे ऑपरेशन थिएटर से, में जो लगा होता है फिल्मों में देखे होंगे, वही सीआरओ है। हाँ सीआरओ हम लोग यूज किए हैं, हम लोग जो बीटेक के सेकेंड ईयर में थे तो वहां पे क्या था, सीआरओ का प्रयोग किया गया था, हम लोग किए थे वहां पर। उसमें नॉब लगा होता है, आप चाहें तो उसको क्या कर सकते हैं, उस फेज को कम ज्यादा कर सकते हैं फ्रिक्वेंसी में। हम किए जल जला दिए थे कॉलेज का, चलिए क्या जला दिए थे, बस नाम क्या होता है, जला दिए, हमने पता था कौन था, यही होता है ना, कोई भी जला देगा सर हम नहीं थे, ये वो कर रहा था, ये कर रहा था, इधर तो टालते टालते सब पे फाइन लग जाएगा, देगा सब लोग देगा, नहीं तो कोई नहीं देगा, यही होती है। चलिए डीसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये पूछ के पाप कर दिया हम लोग से, ठीक है। किस पे काम करता है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, समझ में आया? हाँ सीआरटी होता है, कैथोड ट्यूब होता है, जिस पे क्या होती है प्लेटें लगी होती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेट लगी होती है, उसकी जान वही होती है। हाँ बी फाडला लेंजला, समझे रहे क्या होता है, जिसके जिससे वो उत्पन्न हुआ उसी का विरोध करेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे। किरचॉफ लॉ पचाइए, दो में बचे करंट करंट लॉ और वोल्टेज लॉ दो है, केसीएल केवीएल दो है। एम्पियर्स लॉ क्या होता है, अगर कोई करंट जा रही है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की दिशा किस तरफ होगी, वो कौन बताया था, एम्पियर्स लॉ बताया था, ठीक है। हाँ थंब रूल से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाँ ये क्या है, विच मोटर कैन वर्क बोथ एसी डीसी सप्लाई, ऐसा कौन सा मोटर है जो एसी तथा डीसी दोनों पे काम कर सकता है? ऑप्शन है कंपाउंड मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर, सैडल पुल मोटर या यूनिवर्सल मोटर। हाँ यही चीज है ना, आप नाम नहीं बताएंगे तो क्या होगा, दोस्ती इतनी गहरी है किसी का नाम थोड़ी कोई लेगा है? ये दोस्ती तेरे दम पे है, सब मिलके दुख उठाएंगे बेचारे, पूरा पैसा मान लीजिए 10-15-20 हज़ार का भी सीआरओ आ जाएगा तो वो अकेले देगा, अगर ऐसे 100-100 रुपये या 200-200 रुपये भी सब देंगे तो दुख बट जाएगा ना, वो चीज़ है ना। और उतने का बचेगा तो कुछ पार्टी दे देगा बाहर, नाम नहीं बताएंगे मगर पार्टी दे देना, चलो भाई ठीक है पार्टी मिल जाएगा। हाँ सर्वात्रिक मोटर बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल मोटर। क्या होता है सिंपल, जो डीसी सीरीज मोटर होता है, डीसी सीरीज मोटर होता है, अगर इसको हम एसी पे चला दें तो वो क्या बन जाएगा, हमारा यूनिवर्सल मोटर बन जाएगा, यानी डीसी सीरीज मोटर था, यानी डीसी पे आराम से चल सकता है, उसको एसी पे चला दें तो वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल मोटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस हिसाब से क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल मोटर हो जाएगा, सर्वाधिक मोटर बोलते हैं। हाँ सही है सर्वाधिक मोटर,
चलिए, यूनिवर्सल मतलब सर्वात्रिक यानी हर जगह कहीं भी लगाओ। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंसील्ड और डक्ट वायरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं, लीड सेट वायरिंग कहते हैं या अंडरग्राउंड कंड्यूट पाइप वायरिंग कहते हैं या बैटन वायरिंग या पीवीसी केसिंग कैपिंग वायरिंग करते हैं, क्या कहते हैं, पीवीसी केसिंग कैपिंग वायरिंग या बैटन वायरिंग कहते हैं या अंडरग्राउंड कंड्यूट पाइप वायरिंग कहते हैं या लेड सेट वायरिंग। नहीं ड्यूटी बी नहीं होगा, बैटन वायरिंग तो एकदम नहीं होगा। देखिए कंसील्ड यानी छिपा हुआ बात बोला है, तो बैटन तो हमको साफ साफ पूरा दिख जाता है, वो लकड़ी पे जो लगाते हैं वो तो साफ साफ दिखता है, तो बी तो नहीं होगा। सी सी हाँ ठीक है, नहीं तो जी ठीक है सही है, अमरजीत डी सी आई टी टेक्निकल, हाँ सी एकदम सही है। क्या होगा, अंडरग्राउंड कंड्यूट पाइप वायरिंग होती है, यानी क्या होता है, इसको अंदर क्या करते हैं, छिपा कर वायरिंग करते हैं, जिससे क्या होता है, पहले सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, घरों की लुक बढ़ जाती है, ठीक है, दिखता नहीं है बाहर, और दूसरी चीज़ क्या होती है, इसकी लाइफ भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से कोई मतलब नहीं, तब वातावरण से कुछ मतलब नहीं, तो अंदर होता है क्या होता है, सालों साल चलते हैं, ठीक है, एक बार बन गया तो जब तक उसकी लाइफ है तब तक बाहर का ये कुछ था, तो लेट से थेट हो जाता है। नहीं तो बैटन नहीं, तो ये अलग क्वेश्चन करके पूछता है ना, बाहर का कंसील्ड कंडक्ट कैसे हो सकता है, कंसील्ड मतलब फील्ड मतलब अंदर, वो बाहर कैसे हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम एन अर्थ इलेक्ट्रोड मस्ट नॉट बी लेस देन, ठीक है, यानी एक बिल्डिंग है वहां से हम अर्थिंग निकाले हैं, तो अर्थिंग रॉड जब कहीं गाड़ते हैं तो बिल्डिंग से कितने दूर से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा हो जाए कम नहीं होना चाहिए, नहीं, हाँ सी है ठीक है, सी साढ़े चार मीटर, साढ़े पाँच मीटर, डेढ़ मीटर या तीन मीटर, सी 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 हाँ सही है, सी होता है, मिनिमम तीन डेढ़ मीटर होना ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए अर्थिंग का आ गया तो आपको वीडियो मिलेगा, परेशान मत होइए, ठीक है ना, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिप होती है, प्लेटों की साइज क्या होती है, 60x60x30 होती है, वो सब सारी चीज़ें आपको दे दी जाएगी, हाँ 1.5 मीटर एकदम सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओमला फिर ये पाप कर दे रहा आप लोग से पूछ कर, हाँ कुछ जीती नहीं कर रहा आप लोग का, इसको ज़्यादा टाइम नहीं बोल देते हैं, वी बराबर आई आर हो जाएगा। नियम कभी कभी पूछता है कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो टेम्परेचर और प्रेशर क्या होनी चाहिए, यानी बाहरी टेम्परेचर ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, तभी एक काम करेगा, बी बराबर आई आर, हाँ सही है बी है ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिक्स होता है, हाँ चलिए इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल, यानी डायमैग्नेटिक मटेरियल का कौन सा एग्जांपल है, गोल्ड कोबाल्ट निकिल, गोल्ड कॉपर लेड, गोल्ड अल्मुनियम निकल या गोल्ड आयरन निकल। डायमैग्नेटिक निम्न में से कौन सा एग्जांपल सही है, डायमैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं इनमें से कौन सा है, बी बी हाँ। देखिए क्या करना है इसमें, पहले तो फेरस लिख देते हैं, फेरोमैग्नेटिक का बात करते हैं, तो हमको पता है क्या होता है, फेरस कोबाल्ट निकिल, देखिए यहाँ पे अब निकिल जहां जहां है तो पहले ही नहीं होगा, क्योंकि डायमैग्नेटिक में फिर निकल आ नहीं सकता, केवल फेरो में है, तो ये निकल नहीं होगा यहां से, निकल यहां से नहीं होगा, निकल यहाँ से नहीं होगा, बच्चा कौन सा, हाँ ये कन्फ्यूजन होता है, ठीक है ये ठीक है, तो हम याद कैसे किए थे, हम लोग को भी कन्फ्यूजन होता है, तो हम याद किए थे क्या, बस तीन याद कर लेते हैं, फेकोनी ठीक है, फेरो का क्या हो गया फेकोनी, फिर पैरा का क्या हो गया था, हम याद किए थे अल्प्लो, अल्प्लो याद किए थे, अल्प्लो ऐसे याद किए थे ठीक है, यानी अल्मुनियम प्लेटिनम ठीक है और ऑक्सीजन ठीक है, अल्प्लो याद किए थे, फिर डाया कैसे याद किए थे, याद किए थे हाई सी को, हाई सी को ऐसे याद किए थे ठीक है, यानी हाइड्रोजन सिलिकॉन ठीक है और ये कॉपर, क्योंकि कोबाल तो यहाँ पे हो गया ना, तो ये क्या होगा कॉपर होगा, ऐसे याद किए थे। हाँ क्वेश्चन क्वेश्चन हिंदी में बस पूछा डायमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल कौन कौन सा ये है, ठीक है बस यही पूछा है, डायमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल कौन कौन सा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी में बाबू देखो जो हिंदी में उसका हिंदी में था ठीक है, वो हिंदी में किया नहीं है,
हाँ एक आप तो बुरा मचका वो इंग्लिश में क्या हो सकता है, सीबीएसई बोर्ड वाला हो रहा हो। तो इसका आंसर दीजिए, मेंटल का एक क्लास लगाए बाबू, मेंटल का क्लास लगाए। अच्छा मेटल का, हाँ ठीक है चलिए मेटल का लग जाएगा। हम तो मेंटल बोले हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। हाँ 5 से 6 गुना होता है, एकदम सही। और कहीं भी अधिकतर वो पूछता है तो क्या होता है, 5 से 6 गुना अधिक ही लिखता है। यानी ये पूछा है स्टार्टिंग 3 फेज स्क्वायर के इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग करंट क्या होता है, रेटेड करंट का 5 से 6 गुना होता है, या फिर बराबर होता है रेटेड करंट के, या फिर 1.5 गुना होता है, या लेस देन रेटेड करंट। तो हमेशा जब भी होगा ज़्यादा ही होगा, ठीक है, क्योंकि उस समय बैक ईएमएफ जो होता है क्या होता है वो शून्य होता है, ठीक है। इसीलिए हाँ क्वेश्चन हिंदी में, पिंजरा प्रारूपी मोटर का स्टार्टिंग करंट क्या होगा, स्टार्टिंग का समझ रहे हैं ठीक है, शुरुआती धारा क्या होगी, रेटेड करंट या फिर जो रेटेड मतलब क्या है, जो फुल लोड करंट का कितना होगा, 5 से 6 गुना बराबर होगा, या फिर 1.5 गुना होगा, या फिर उससे कम होगा। तो क्या होता है, 5 से 6 गुना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अभी आ गया इसमें आपको नई दिक्कत होगा, हाँ स्लिपिंग में 2 गुना। हाँ ऐसा उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं कि वो 2 ही गुना ले पाता है। ये स्क्वायर केज होता है, बाइंडिंग होती है इसमें, इसमें स्क्वायर केज होता है इसलिए क्या होता है इसमें ज़्यादा लेता है। चलिए इसमें देखिए एमजी सेट और रोटरी कन्वर्टर बदल देते हैं, क्या कहते हैं, डीसी को एसी में, डीसी को संपदमान आपूर्ति में, या फिर एसी को डीसी आपूर्ति में, या फिर एसी को संपदमान आपूर्ति में। हाँ किसमें बदलते हैं, हाँ कौन, एमजी सेट या फिर रोटरी कन्वर्टर, ठीक है ना। देखिए करते क्या है, डीसी को एसी में कौन बदलेगा, इन्वर्टर बदलता है, ठीक है। ये संपादन मतलब डैम्प करके देना, या फिर उच्च यानी डीसी का जो उच्च मान है उसको कम मान में करके देना, ठीक है। इसका तो मैसॉन यूज होता है, नहीं समझे बाबू, ठीक है। अब देखिए एसी को डीसी में यानी जो फ्रीक्वेंसी मिलती है ना, ये क्या करता है, जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मिलती है उसको किसमें बदल देता है, फिक्स फ्रीक्वेंसी में बदल देता है। फिक्स फ्रीक्वेंसी मतलब मान नहीं बदलता है, यानी जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी होती है रोटरी कन्वर्टर क्या करता है, उसको फिक्स फ्रीक्वेंसी में बदल देता है। और फिक्स फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, इसकी क्या बोलते हैं, डीसी की होती है, ठीक है, या फिर फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है। हाँ एसी टू डीसी में बदलता है, कौन, एमजी सेट या फिर रोटरी कन्वर्टर, ठीक है। चलिए सर एमजी सेट में कौन सी मोटर, इसमें बाबू किसकी कपलिंग की जाती है, ठीक है, कई सारे मोटर होते हैं जिनकी कपलिंग की जाती है, हाँ जिसकी कपलिंग होती है, बोले ना कपलिंग होता है इंडक्शन मोटर और एक जनरेटर का क्या होता है, कपलिंग होता है। चलिए बी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी सही है गुंजन जी, बी एक है क्या, एक 8 पोल अल्टरनेटर 750 RPM पे चल रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डीसी को शुद्ध डीसी में, देखिए शुद्ध डीसी तो एकदम ये गलत चीज हो गया कि प्योर डीसी में बदलने की बात, क्योंकि कुछ ना कुछ रिपल आ जाते हैं, फिर उसके लिए क्या क्या लगाते हैं, फिल्टर लगाते हैं, चॉपर भी है बाबू तो उसमें भी क्या कुछ ना कुछ आ जाता है, ठीक है, तो उसमें फिल्टर लगता ही लगता है, एल फिल्टर 5 फिल्टर, हाँ फिल्टर लगाना ही पड़ेगा, बिना फिल्टर के नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर ऐसा देने लगे तो अच्छी बात है, उसी का प्रयोग करते हैं इसलिए होता नहीं, तो फिल्टर का एल फिल्टर पाइप फिल्टर सेंटर फिल्टर सब सारी चीज़ों का होता है। चलिए हाँ क्या होता है, कितना आएगा कमेंट कीजिए, 30 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज 100 हर्ट्ज या 80 हर्ट्ज, 8 वोल्ट का मोटर है 750 पे चल रहा है, 50 हर्ट्ज, हाँ ठीक है। देखते हैं क्या होगा, एन एस बराबर 120 f/P, यही है, कितने पे चल रहा है, 750 पे चल रहा है, 120 है, हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, पोल कितना दिया है, 8 दिया है, ठीक है। ये चला जाएगा कितनी बार में, 15 बार में चला जाएगा, 15 × 5 = 75, यानी कितना हो जाएगा, 50 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। या फिर हर्ट्ज न देके सेकंड इनवर्स भी देगा तो वही मान है,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। नहीं फिल्टर जरूरी नहीं कि फिल्टर बस उसी को फिल्टर बोलते हैं, बहुत सारे फिल्टर होते हैं, ठीक है, रेक्टिफायर में यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिल्टर अगर डीसी में बदल दे तो वो क्या है, वो भी तो सिंपल रेक्टिफायर हो गया। रेक्टिफायर कब प्रयोग होता है, डीसी में जब बदल देता है तब उसके बाद रेक्टिफायर का काम स्टार्ट होता है ना, तो वहां पर भी तो क्या हुआ, वो डीसी में बदल दिया है, फिक्स फ्रिक्वेंसी कर दिया, फिर कम लो फ्रिक्वेंसी कर दिया, फिर नॉन चेंजेबल फ्रिक्वेंसी कर दिया, तब उसके बाद फिल्टर का काम आएगा ना, फिल्टर हमेशा डीसी के बाद ही काम आएगा। अच्छा ऑप्शन नहीं दिख रहा क्या, यही दिया है द वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर इन एसी सर्किट क्या हो जाएगा, आकृति गुणांक, आकृति गुणांक क्या होगा, हाँ एसी सर्किट में, ठीक है, 1.11, हाँ सही है, सही बोले, आरएमएस अपॉन एवरेज होता है, फ्रा पढ़े हैं, फ्रा यानी फॉर्म फैक्टर बराबर आरएमएस अपॉन एवरेज होता है, आरएमएस का मान क्या होता है, वीएम बाई रूट टू लिखते हैं, प्योर साइंस टोटल की बात बोल रहे हैं ना, अभी कुछ उठला सीधा वेम नहीं लेके चल रहे हैं, हाँ वीएम बाई रूट टू होता है, और एवरेज क्या होता है, टू वीएम बाई पाई होता है, यही होता है एवरेज का मान, यही होता है ना, टू वीएम बाई पाई, तो क्या कर देते हैं, वीएम बाई रूट टू इंटू टू है इंटू वीएम, यही पर हम देते हैं, और जो पाई है वो कहाँ लेके चले जाते हैं, ऊपर लेके चले जाते हैं, वीएम तो वीएम कट जाता है, तो क्या होता है, पाई बाई रूट टू इंटू ये टू है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1.11 आंसर मिलता है, ठीक है। चलिए अब हमको एक बार कमेंट कर दीजिए कितना नंबर आया, सबका तो सही आया था, किसी का एक आध दो इधर उधर हुआ होगा, ठीक है। अरे बच्चे भी कम जुड़े, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कभी कुआ कभी खाई है, बहुत बढ़िया अंकित जी, नहीं बच्चे अच्छे अच्छे जुड़े हम लोग के साथ, बढ़िया है, पूरा सही, बहुत बढ़िया, चार गलत हुआ, चलिए उसको मेहनत कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ लेट से आए कोई दिक्कत नहीं, मगर कुछ किए होंगे उसी में से बता दीजिए, पूरा सही एकदम सही, चलिए ठीक है, यानी मेहनत हो रही है, ठीक है, बस हाँ बस यही मेहनत करते थे, ये नहीं, और लोगों को तो ये नहीं करना है कि सर पेपर नहीं हो रहा है, पढ़ने का क्या फ़ायदा, डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है, जो मोटिवेटेड रहेगा उसी का होगा, ठीक है। चलिए अच्छा हमको एक बार ये बता दीजिए, आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हैं हमारे साथ, ठीक है, बहुत हमको जानने की उत्सुकता हो रही है, हाँ तो अच्छी बात है, जितना कि पूरा सही है, चलिए रिजल्ट आउट हो गया, चलिए देख लेते हैं, ठीक है, तो उसका भी कल दिन पेपर सॉल्व करा देंगे, सारनाथ से जुड़े, मेरठ से जुड़े, ठीक है, वाराणसी वाराणसी, ठीक है, और कहीं, गोरखपुर, अच्छा गोरखपुर से, अच्छी है, सीएम के नगरी गोरखपुर, बीएनएस, हाँ आपका देख रहे हैं उन्ना, चलिए ठीक है, बस क्या है, अब आप लोग को बैगेज है, ठीक है, बैगेज क्या है, ठीक है, अपने परिवार को बेहतर लाइफ देने की, ठीक है ना, दिल्ली सबसे बढ़िया, तो क्या है बैगेज, किस चीज़ का है, अपने परिवार को बेहतर लाइफ देने का, क्योंकि वो भी आपके साथ साथ मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो बस इतनी दिन की बात रात की, आज नहीं तो कल क्या कर रहे हैं, उनको प्राउड फील कराना है, तो प्राउड तभी फील हो सकता है जब अभी क्या करेंगे, थोड़ा मेहनत कर लेंगे, ठीक है ना, तो इसी के साथ मेहनत करते रहिए, डीमोटिवेट मत होइए, कॉन्फिडेंट रहिए, सबका होगा, ठीक है, चलिए कोई दो गलत नहीं, अगली बार मेहनत कर लीजिएगा, वो सही हो जाएगा, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, इसको सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, हाँ जरूर आएंगे, ठीक है, जरूर आएंगे, घूमने में अच्छा लगता है ना, चलिए ठीक है आ जाएंगे, ठीक है बहुत बढ़िया, अच्छे अच्छे जगह से लोग जुड़े हुए हैं, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।